हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। इस वीडियो में मैंने जो आईफोन SE 2020 मंगवाया है मोबाइल को, जो एक रिफर्बिश्ड वेबसाइट है उससे, उसके अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा अनुभव इनसे लेने पर कैसा रहा, मुझे क्या सुविधा हुई भी या नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे इस प्रकार की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन हल्का सा डब्बा मुड़ गया है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये रिफर्बिश्ड वेबसाइट की गलती नहीं है, ये डिलीवरी वालों की गलती है। ये पैकेज मेरे डिलीवरी द्वारा भेजा गया है और पैकेजिंग अच्छी, काफ़ी टाइट है, इसे खोलने में मुझे काफ़ी असुविधा हुई। ये जो मोबाइल है आईफोन SE 2020 एडिशन है, ये 64 GB वेरिएंट है और वाइट कलर में मैंने मंगवाया है, और मुझे ये 18,500 रुपये में पड़ा है। ना ही मुझे इसकी कोई डिलीवरी चार्ज देनी पड़ी और ना ही मुझे पेमेंट कन्वीनियंस फीस देनी पड़ी, जैसा कि मुझे सेलबडी पर देनी पड़ी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर बेहतर रही, वहाँ पर काफ़ी हिडन चार्जेस थे, यहाँ कम से कम इस प्रकार का नहीं है। और देख सकते हैं ये शायद चार्जर है, बाहर ही रखा हुआ है, और ये कुछ अन्य पॉलीथीन है जो शायद प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हैं, और शायद डब्बा यहाँ पर रखा हुआ है, तो मोबाइल का बॉक्स शायद इसके अंदर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, और फिलहाल इसको खोल लेते हैं अब। तो पैकेजिंग तो इसकी अच्छी लगी अभी तक का, तो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है इस वेबसाइट से। और ये इसका बिल रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे पीछे वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। आप इसको यहाँ पर मैंने इसकी फ़ोटो लगा दी, जिससे आप इसको पॉज करके पढ़ सकें और ख़रीदने से पहले इसको एक बार पढ़ सकें, क्योंकि असल कैसा है ये वो वारंटी क्लेम करते समय ही समझ में आता है कि वेबसाइट कैसी है। आफ्टर सेल्स अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते समय खरीदी इसीलिए रहे हैं, रिफर्बिश्ड फ़ोन की वारंटी मिल रही है, वरना सेकेंड हैंड भी ओएलएक्स पे ईजिली मिल जाते हैं। और ये हमारा फ़ोन, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि इसका डब्बा नहीं मिला है, ओरिजिनल डब्बा, तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें तो इसके सारे पॉइंट्स कट गए जो भी अभी तक का अनुभव था, क्योंकि बिना डब्बे के इसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम आएगी। सेलबडी ने ओरिजिनल डब्बा दिया था, मैंने IMEI मिला लिया था, मेरे केस में अन्य का मुझे नहीं पता, तो वहाँ पर वो आगे था, यहाँ पर डब्बा देना बहुत ही ज़रूरी था। और फिलहाल फ़ोन निकाल लिया मैंने, आगे बताता हूँ उसकी कोई कमी अगर देखती है मिलती है तो। फिलहाल इसकी फिज़िकल कंडीशन की बात करें तो जो रिम होती है साइड की, उसमें एक भी स्क्रैच नहीं है, और यहाँ पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं, हल्का सा जो स्पीकर ग्रिल उसमें दिख रहा है कि वो धूल जमी हुई है। इसको आप रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं बोलेंगे, इसको आप सेकेंड हैंड फ़ोन बोलेंगे अगर इसमें धूल दिख रही है तो। और जो यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर आता है वाइब्रेशन साइलेंट करने वाला, यहाँ पर भी हल्का सा धूल जमी हुई है। तो जैसा कि देख सकते हैं, फ़िलहाल ये मेरा आईफोन 7 है, जैसे मैंने सेलबडी से मंगवाया था, और फटाफट मैं इसकी सिम निकाल करके इसमें डाल देता हूँ। फटाफट तो कोई मैं काम में करता ही नहीं हूँ, सब आराम से ही करता हूँ।
नया फ़ोन रीसेट करते समय मैं उसको नया से ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना कि उसको पीछे की जो मैंने ऐप्स आई वॉन्ट टू यूज़ इट फ्रॉम द एज। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, मैं गूगल क्लाउड वो क्लाउड का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि अपना क्लाउड वाला बैकअप ले रहा हूँ, ऐप्स का बैकअप, जिसमें व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज वगैरह आता है। कॉल लॉग इसमें कभी होता है कभी नहीं आती है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कॉल लॉग से। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज का बैकअप ले लिया है, और जो फ़ोटोज़ होती हैं उसको गूगल फोटोज़ में बैकअप कर ही लिया है। तो उसको मैं एकदम नए से स्टार्ट से यूज़ करना करूँगा करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी स्टार्ट स्क्रीन नहीं आई, डायरेक्ट सेटअप हुआ है। तो शायद उन्होंने पूरा चेक करके भेजा है कि कोई इसमें समस्या तो नहीं है। और इसका एक और ड्रॉबैक मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो मैंने उनसे बात किया था कि बोला था कि मुझे कुछ भी हो जाए iOS वर्जन 15 पर मत दीजिएगा, 13 या 14 पर दीजिएगा। और उन्होंने मुझे बोल दिया था ओके सर, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की थी, यहाँ पूरा आपको iOS 14 या 13 पर भेजेंगे हम ध्यान से। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका कॉल आया था मुझे और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया था, तो उन्होंने बोला था कि हम iPhone भेज देंगे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वही iOS 15 वाला ही डिवाइस भेज दिया है। तो आप इससे बात बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अभी ये हाल है तो वारंटी क्लेम करते समय इनकी ज़बान पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा है। बाकी ठीक है, बाकी ये था कि केवल 500,000 एक्स्ट्रा ले लो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ जो चाहिए वो दो। तो वैसे तो मैंने इस फ़ोन को काफ़ी दिन पहले लिया था, और आखिर क्योंकि मैं बेवस्त चल रहा था, तो करीब 8-10 दिनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि इस फ़ोन में मुझे कोई भी समस्या नहीं आई, एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मैं इसको बोल सकूँ कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें मिली हो। फुल्ली वर्किंग है, बैटरी हेल्थ इसकी 85% मिली है, आगे उसकी भी क्लिप लगी हुई है। इस वेबसाइट के बारे में उसमें यही कहना चाहूँगा कि ये रिफर्बिश्ड वेबसाइट इसको नहीं बोलना चाहिए, इसको केवल एक सेकेंड हैंड यूज्ड फ़ोन की शॉप या वेबसाइट बोलना चाहिए। इनकी जो दुकान है हरियाणा या शायद हिसार में, तो वहाँ से ये फ़ोन बेचते हैं। तो रिफर्बिश्ड फ़ोन वो होता है जिसमें खोल करके उसको पूरा साफ़ किया जाता है और उसके पूरी क्वालिटी चेक होती है, और यूज फ़ोन वो होता है जो इनके पास दुकान में बिकने आता है और वो उसको आपको बेच रहे हैं। तो आपकी पसंद पर निर्भर करता है, रिफर्बिश्ड की अपनी समस्याएँ हैं और सेकेंड हैंड की अपनी समस्याएँ हैं। सेकेंड हैंड में कम समस्या है, रिफर्बिश्ड में ज़्यादा है। थोड़ा सा भी एक पार्ट भी इधर का ऑनर्स भी हुआ, वो आपको लॉन्ग टर्म हो सकता है दिक्कत करे, कि अभी सही चल रहा है, मान लीजिए डिस्प्ले सही है, बाद में दिक्कत करने लगे। सेकेंड हैंड में इतनी दिक्कत नहीं होती है, फ़ोन मुझे कोई कमी नहीं लगी। एक कमी लगी कि ये जवान से चलना चाहिए, जवान सबसे ऊपर कुछ भी नहीं होता, बोल दिया तो बोल दिया। अगर आपने बोला था कि 13-14 पर भेज दोगे तो iOS 15 पर नहीं आना चाहिए था, वो डिसअपॉइंटेड था। और वारंटी क्लेम करने में अब इससे फ़ोन में कोई समस्या तो आई नहीं कि मैं उनको वारंटी क्लेम करने के लिए कॉल लगाऊँ। बाकी फ़ोन था मेरी तरफ से तो काफ़ी, अगर मतलब अगर मुझे लेना होगा तो मैं ले लूँगा, लेकिन उससे बेहतर मैं आपको, अगर आप नए की अपेक्षा मत करिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि नया आ जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। नए का अनुभव ही नहीं होगा आपको इससे लेने पर, या किसी भी नए का अनुभव नहीं होगा, नया नया होता है और सेकेंड हैंड सेकेंड वाला अनुभव होगा। सेल बड़ी से थोड़ा नया जैसा अनुभव हुआ था, क्योंकि उन्होंने डब्बा वगैरह सब भेजा था, लेकिन उनकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह बहुत ख़राब है, मैंने उनका रिव्यू देखा है, तो लोग उससे कुछ नहीं है। अगर आप जोखिम ज़रा भी नहीं ले सकते तो रिफर्बिश्ड फ़ोन से बचिए, महंगा रहो एक बार सस्ता रहो बार बार, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा वो शायद सही कहा है। तो आप जो भी निर्णय लें विवेक से लें, पूरा निर्णय अपना सोच समझ कर शांत मन से लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, पूरे जांच लें कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़ोन तो मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया, कर ही रहा हूँ अभी, पूरा इस्तेमाल कर चुका हूँ 8-10 दिन, और मुझे फ़ोन में कोई भी समस्या नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैंने इसको वीडियो को लंबा करने के लिए क्लिप लगाई हुई है, आपको देखना हो देखिए, वरना आपकी मर्जी। जय हिंद।